नमस्कार गुड मॉर्निंग हेलो हाई आदा बहुत या, की की आज तो दिवस ही का है आज है ही बात की, शिक्षा की शिक्षकों की और आज है शिक्षक दिवस जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था तो अब वॉइसिस में आप लोगों के पास लेकर आया हूं मैं शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में इस अवसर पर शिक्षक दिवस के ही बारे में बात करने के लिए 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है वैसे ये साल उन्नीस सौ चौरानवे में पांच अक्टूबर को टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस मनाने की घोषणा की थी एक ऐसा दिन जब शिक्षा के जरिए नई पीढ़ी को ज्ञान स्थानांतरित करने वालों का सम्मान हो यानी कि ज्ञान ट्रांसफर करने वालों का सम्मान हो या आप तक ज्ञान पहुंचाने वालों का सम्मान हो वही भारत में शिक्षक दिवस पांच सितंबर को मनाया जाता है जानिए इसके पीछे का इतिहास आज आपको बताता हूं

शिक्षक दिवस घोषित किया था साल उन्नीस से ही इसे मनाया जा रहा है शिक्षकों के प्रति सहयोग को बढ़ावा देने और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों के महत्व के प्रति जागरूकता लाने के के मकसद से इस विशिष्ट दिन की शुरुआत की शुरुआत गई थी आज लगभग देशों में यह दिवस मनाया जाता है इस दिन स्कूल कॉलेजों आदि में अपने अध्यापकों तथा गुरुओं के सम्मान में अनेक प्रकार के कार्यक्रम आदि आयोजित किए जाते हैं दस सितंबर उन्नीस के दिन चिली के महान कवि मिस्ट्रॉल को नोबेल पुरस्कार मिला था इसी दिन को यादगार बनाने के लिए उन्नीस में दस दिसंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने का निर्णय लिया गया लेकिन सोलह अक्टूबर उन्नीस सो को टीचर्स कॉलेज की स्थापना के बाद से वहां 16 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है बता दें कि हमारी पड़ोसी देश पाकिस्तान के अलावा मालदीव कुवैत मॉरिशियस कतर ब्रिटेन रूस और भी कंट्रीज में इसी दिन टीचर्स डे मनाया जाता है बता दें कि चीन 10 सितंबर को टीचर्स डे मनाता है स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1908 को हुआ था इस कारण सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है सोपोलो में मनाया गया था पहला टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस 15 अक्टूबर अठारह के दिन पेडो वन ने ब्राजील में प्राथमिक स्कूलों की स्थापना संबंधी आदेश दिया था इसी दिन की याद में पोलो के एक छोटे से स्कूल के कुछ टीचर्स ने 15 अक्टूबर उन्नीस को पहली बार शिक्षक दिवस का यानी कि टीचर्स डे का आयोजन किया था धीरे धीरे पूरे देश में टीचर्स डे मनाया जाने लगा और उन्नीस में आधिकारिक रूप में इस दिन को टीचर्स डे का दर्जा दे दिया गया था तो ये बात थी टीचर्स डे से जुड़ी हुई यानी कि शिक्षक दिवस से जुड़ी हुई जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है पर मैं आगे की भी बातें आप लोगों को बताता हूँ सर्वपल्ली राधा कृष्ण के बारे में हम लोग भारत में शिक्षक दिवस के रूप में इसलिए पांच सितम्बर को मनाते हैं क्योंकि उस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन का जन्म दिवस पड़ता है यानी कि जन्मदिन आता है उनके बारे में मैं कुछ बातें आपको जरूर बताता हूँ वो द्वितीय राष्ट्रपति रहे थे हमारे देश के पहले से राज्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वो पहले उपराष्ट्रपति रहे थे उनका जन्मदिन पांच सितंबर को भारत में हर साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के तुरुतनी गांव के एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में 5 सितंबर 1888 को हुआ था तुरुतनी गांव चेन्नई से लगभग चौरासी किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 1960 तक आंध्र प्रदेश में था और वर्तमान में यानी प्रेजेंट में तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में पड़ता है उनका जन्म स्थान भी एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात रहा है राधा कृष्णन के पुरखे पहले कभी सरोपल्ली नामक गांव में ग्राम में रहते थे और अठारवी शताब्दी के मध्य में उन्होंने तिरुत्तनी ग्राम की ओर निष्क्रमण किया था यानी कि आ गए थे वो एक निर्धन किंतु विद्वान ब्राह्मण के संतान थे उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरा समियाह था और माता का नाम सीता था उनके पिता इनकम टैक्स विभाग में काम करते थे उन पर बहुत बड़े परिवार के भरण पोषण का दायित्व था वीरा स्वामी के पांच बेटे और एक बेटी थी राधा कृष्णन का स्थान यानी कि उनका नंबर था इन संतानों में दूसरा था

उन्नीस 1900 के बीच विद्यान के लिए भेजा था फिर अगले वर्ष यानी कि अगले साल अगले चार वर्षों के लिए 1900 से 1904 को उनकी शिक्षा वेल्लुर में हुई थी इसके बाद उन्होंने मद्रास क्रेशन कॉलेज मद्रास में शिक्षा प्राप्त की वो बचपन से ही मेधावी थे यानी कि पढ़ने में काफी अच्छे थे इन बारह वर्षों के अध्ययन काल में राधाकृष्ण ने बाइबल के महत्वपूर्ण अंश भी याद कर लिए इसके लिए उन्हें विशेष योग्यता का सम्मान प्रदान किया गया इस उम्र में उन्होंने स्वामी विवेकानंद और अन्य महान विचारकों का अध्ययन किया उन्होंने 1902 में मैट्रिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई इसके बाद उन्होंने उन्नीस सौ पांच में कला संकाय परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और मनोविज्ञान इतिहास और गणित विषय में विशेष योग्यता की टिप्पणी भी उच्च प्राप्त अंकों के कारण मिली थी यानी कि डिस्टिंक्शन

के प्रवास से दोबारा भारत लौटे थे तो जवाहरलाल की की नेहरू से उस समय हुई जब वो कांग्रेस पार्टी के वार्षिक अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए कलकत्ता आए हुए थे हालांकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय शैक्षिक सेवा के सदस्य होने के कारण किसी भी राजनीतिक संभाषण में हिस्सेदारी नहीं कर सकते थे तथापि उन्होंने इस वर्जना की कोई परवाह नहीं की और भाषण दिया उन्नीस सौ उनतीस में उन्हें व्याख्यान देने हेतु मैनचेस्टर विश्वविद्यालय द्वारा आमंत्रित किया गया इन्होंने मैनचेस्टर मैं लंदन में कई व्याख्यान दिए इनकी शिक्षा संबंधी उपलब्धियों के दायरे में कुछ सांस्थानिक सेवा कार्यों को देखा जाता रहा है सन उन्नीस सौ इकतीस से छत्तीस तक आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्नीस सौ छत्तीस से उन्नीस सौ बावन तक प्रिंसिपल रहे कोलकाता यूनिवर्सिटी के अंडर में

राधाकृष्णन को यह निर्देश दिया गया कि वह अपना संबोधन रात्रि के ठीक बारह बजे समाप्त करें क्योंकि इसके पश्चात ही नेहरू जी की के नेतृत्व में संवैधानिक संसद द्वारा शपथ ली जानी थी राजनयिक कार्य राधा कृष्ण ने ऐसा ही किया और ठीक रात बजे अपने संबोधन को विराम दिया पंडित नेहरू और राधाकृष्णन के अलावा किसी अन्य को इसकी जानकारी नहीं थी अवधि के बाद उनसे आग्रह किया गया कि वो मातृभूमि की सेवा के लिए विशेष राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्यों की पूर्ति करें इस प्रकार विजयलक्ष्मी पंडित का इन्हें नया उत्तराधिकारी चुना गया पंडित नेहरू के इस चयन पर कई व्यक्तियों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि एक दर्शन शास्त्री को राजनयिक सेवाओं के लिए क्यों चुना गया उन्हें संदेह था कि डॉक्टर राधाकृष्णन की योग्यताएं सौंपी गई जिम्मेदारी के अनुकूल नहीं है लेकिन बाद में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यह साबित कर दिया कि मॉस्को में नियुक्त भारतीय राजनायकों में वो सबसे बेहतर थे वो एक गैर परंपरावादी राजनायक थे जो मंत्रणाएं देर रात्रि होती थी वो उनमें रात्रि दस बजे तक ही भाग लेते थे क्योंकि उसके बाद उनके शयन का यानी कि सोने का वक्त हो जाता था जब राधा कृष्ण एक शिक्षक थे तब भी वो नियमों के दायरे में नहीं बने थे क्लास में ये बीस मिनट की देरी से आते थे और दस मिनट पहले ही चले जाते थे उनका कहना था कि क्लास में जो उन्हें व्याख्यान देना होता था वो बीस मिनट के पर्याप्त समय में संपन्न हो जाता था इसके बाद भी ये विद्यार्थियों के प्रिय और आधारित शिक्षक बने रहे शिक्षक दिवस हमारे देश के द्वितीय यानी कि दूसरे किंतु अद्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पांच सितंबर को हर साल टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है इस दिन सारे देश में भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है इकतीस में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सर की उपाधि प्रदान की गई थी लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उसका औचित्य डॉक्टर राधा कृष्णन के लिए समाप्त हो चुका था जब वो उपराष्ट्रपति बन गए तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उन्नीस सौ चौवन में उन्हें उनकी महान दार्शनिक एवं शैक्षिक उपलब्धियों के लिए देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न प्रदान किया था आप लोगों को आज शिक्षक दिवस की शुभकामना देता हूँ डीवा यूनिवर्सिटी की तरफ से न्याय रेडियो की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू सो मच